गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शानदार सेशन शुरुआत में। आज का टॉपिक शुरुआत, जिसमें हम आपको इस बिजनेस को कैसे शुरुआत करना है, क्या वो 10 कदम हैं, स्टेप्स हैं जिसको हम मतलब लेकर अपने बिजनेस को खूब अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे एमडी सर का कहना है कि आप एक कदम लीजिए, मैं आपके साथ 2 कदम आपकी सफलता में बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये जो 10 कदम है वो क्या है? फर्स्ट है आपका सपोर्ट चार्ट, सेकंड है गोल सेटिंग, थर्ड प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ सेल्फ यूज, फिफ्थ शेयर, सिक्स स्पॉन्सर, सेवेंथ स्ट्रक्चर, बैलेंस स्ट्रक्चर, एट रोल मॉडल, नाइन्थ पर्सनल प्रोग्रेस, टेंथ है डुप्लीकेशन। सपोर्ट चार्ट के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। जैसे जब भी हम अपने प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं तो उसको हम फर्स्ट कॉलम आपका है अपलाइन, अपलाइन में स्पॉन्सर का नेम, उसका फोन नंबर, डायरेक्टर का नेम, उसका नंबर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टिल जीबीडी तक के हम उसके नेम और नंबर शेयर करते हैं। सेकंड आता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट में हम कंपनी के जो मिस कॉल अलर्ट नंबर्स हुए, कस्टमर केयर नंबर्स हुए, डीपी मैनेजर नंबर हुए, तो वो सब हम उसको शेयर करते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि हम जब भी किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं और ये सारी डिटेल उसको जाता है, उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि हाँ हमारे साथ इतने लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब हमको अपने गोल को डिसाइड करना है कि हमारा गोल क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए सक्सेस तभी मिलता है जब हम उस सक्सेस के लिए गोल को सेट करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। तो सभी के अपने अपने सपने होते हैं। किसी का सपना होता है चैरिटी करने का, किसी का सपना होता है बड़े बंगले में रहने का, बिग हाउस का, किसी को फैंसी कार का, और फ्रेंड्स कोई कोई है वर्ल्ड टूर का सपना होता है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट ही चाहिए, किसी को बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहिए। तो ये होता है क्या, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो ये मतलब जो ये ड्रीम्स हैं, इसी ड्रीम्स को ही हम अगर बेस बनाएंगे तब हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। तो गोल सेटिंग में और क्या आता है? गोल सेटिंग हमारा 3 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग, मिड टर्म गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। और फ्रेंड्स गोल कैसा होना चाहिए हमारा, इसको हम शॉर्टकट में देख सकते हैं, स्मार्ट होना चाहिए। एस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर एक्सनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। मतलब फ्रेंड्स गोल हमारा फिक्स होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, जिसको हम टाइम टाइम पे उसको हम कंपेयर कर सके, मेजर कर सके कि क्या ग्रोथ है हमारा। और एक्सनेबल मतलब हमको उस गोल को अचीव करने के लिए क्या एक्शंस करने हैं, कैसे हमको उस गोल को अचीव करना है, और रियलिस्टिक होना चाहिए और साथ में टाइम बाउंड होना चाहिए कि उसमें टाइम लिमिट होना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म गोल जो होता है ये 6 मंथ्स का होता है, इसमें आप इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे क्या गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो लिखेंगे, और क्या डेट होगा उसका, क्या टाइम बाउंड होगा वो आप नोट करेंगे। और मिड टर्म में आप नेक्स्ट 1 ईयर में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं और उसका क्या डेट होगा वो लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मतलब आप 2 साल से 5 साल तक का दे सकते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म गोल है, और आप उसको उसकी डेट दे सकते हैं। थर्ड स्टेप्स आता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मतलब हम अपने बिजनेस को किससे शेयर करें और किसको हम बताएं। तो फ्रेंड्स इसको हम शॉर्टकट में याद कर सकते हैं फ्रेंड्स से, जिससे एफ से होता है फ्रेंड, आर से रिलेटिव्स, आई से इंडस्ट्रीज, ई से ई कॉन्टेक्ट्स, फेसबुक्स और जो भी हम लोग सोशल साइट्स यूज करते हैं, एन नेबर्स, डी
डायरेक्टरीज, फोन डायरेक्टरीज, मोबाइल फोन्स और एज फॉर स्ट्रेंजर्स। तो हमको इन लोगों से बात करना है, जैसे हमारे जितने भी फ्रेंड हैं हम उनसे इस बिजनेस के बारे में बात कर सकते होते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में जो काम करने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, हम अपने ई कॉन्टेक्ट जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, जो इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, और हम अपने पड़ोसियों से भी बात कर सकते हैं। और अगर हम अपने फोन बुक खोलते हैं, डायरेक्टरी खोलते हैं, तो उसमें कई ऐसे नंबर्स होंगे जिससे जो हमारे इन सब लिस्ट से अलग होंगे, हम उनसे भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी अजनबी से भी इस बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। अब प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना कैसे है, क्या फॉर्मेट होगा, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। फर्स्ट होगा आपका सीरियल नंबर, और सेकेंड है नेम, फिर फोन नंबर, क्या उसका प्रोफेशन है, हमने फर्स्ट फॉलो अप किस डेट में लिया, सेकेंड फॉलो अप किस डेट में लिया, फोर्थ फॉलो अप किस डेट में लिया, फिफ्थ, तो और लास्ट में कमेंट, क्या कमेंट रहा वो लिखना है। तो जितनी ज्यादा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होगी, जितनी लंबी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होगी, उतने ही जल्दी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो हम, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है शेयर करने का, हम जितने लोगों से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, जितनी अच्छी हमारी टीम बनेगी और जितने अच्छे लीडर्स हम जनरेट करेंगे, उतनी ही जल्दी हम सक्सेस को पाएंगे। फोर्थ आता है सेल्फ यूज और बेनिफिट। जैसे हम प्रोडक्ट्स को जब खुद यूज करेंगे तो हम उसके बारे में डीपली जान सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स को यूज करने से बेनिफिट क्या है, और साथ में ही हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सारे प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करना है, हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है। देन फोर्थ स्टेप में ही आता है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को क्या सजेस्ट करें, कि जैसे फर्स्ट टाइम है तो हमारी जिम्मेदारी केवल स्पॉन्सर करने पे ही नहीं होता है, स्पॉन्सर करके हम उसको उससे हम प्रोस्पेक्ट का क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग मतलब से हम शॉपिंग कराते हैं, उसको लॉयल्टी के बारे में बताते हैं, उसको जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी ऑफर्स हैं उनके बारे में हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, शेयर के इस फोर्थ स्टेप में हम उसको क्या बकेट दे सकते हैं, 3000 का भी बकेट दे सकते हैं। जैसे इसमें आपका टोनर होगा, श्लोका का राइस ब्रान ऑयल हो गया, स्टेरी क्लीन हो गया, फ्रेश मोमेंट हो गया, डेयर एंड ड्रॉप हो गया, फेस पैक हो गया, शैम्पू हो गया, स्मार्ट एंड स्ट्रांग हो गया, और फ्रूट ऑफ द अर्थ का टी हो गया, चाय पत्ती हो गया, डीओ हो गया, मल्टी विटामिन हो गया, बियॉन्ड ब्लू हो गया, एंड सॉफ्ट वॉश हो गया। तो ये कुछ है प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम उसको शेयर करते हैं कि आप इस बकेट को आप प्रिफर करिए, ये 3000 की रेंज में इसको मिल जाएगा। तो अगर किसी का बजट ज्यादा है तो हम उसको 5000 का भी बकेट प्रिफर कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टैल्कम पाउडर है और शैम्पू है, ऑल प्लांट प्रोटीन है, और लेडीज के सैनिटरी पैड्स हैं, ये सब हम प्रिफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आते हैं फिफ्थ स्टेप पे, शेयर। शेयर का मतलब कि हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे शेयर करें। तो फर्स्ट होता है अपॉइंटमेंट, हमको अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया, उन सभी लोगों से फोन करना है, फोन करके हमको उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, या उनसे हम अपॉइंटमेंट लेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो जाके भी मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इफेक्टिव क्या होता है कि थ्री वे कॉलिंग, तो हमें जैसे किसी से भी बात करना है तो हम अपने अपलाइन को भी साथ में लेके रखें और उनको भी मतलब मीटिंग में अटेंड करें, तो वो थ्री वे कॉलिंग सिस्टम होता है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्या होता है, क्या शेयर करना है हमें, प्रेजेंटेशंस, वन बाय वन जो प्रेजेंटेशंस हैं उनको होम मीटिंग में बुलाना है, और परिवर्तन का प्रेजेंटेशन दिलाना है,
सेमिनार कहीं होता है वो अटेंड कराना है, और लास्ट होता है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब जैसे जब भी हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो हमें उनका फीडबैक लेने के लिए 48 आवर के अंदर ही ले लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हमने जिनको बताया सब जुड़े ही, तो उसके लिए एक रूल है SW5, बहुत ही अच्छा है। जैसे सम विल डू सम विल नॉट डू, सो व्हाट, सम वन इज वेटिंग फॉर यू। तो वो जरूरी नहीं है कि अभी क्या है, अभी केवल 1-2% ही पीपल ही नेटवर्क मार्केटिंग से जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। तो अभी बहुत से लोग हैं जिन जो इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो हमें किसी एक के मना करने से हमको रुकना नहीं, हमें नेक्स्ट बढ़ते रहना है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं फ्रेंड्स, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब हम जिस भी प्रोस्पेक्ट्स को इस मोदी केयर में ऐड करते हैं तो हम उसका पहले KYC कंप्लीट करते हैं, उसका NFT डिटेल अपडेट करते हैं, उसका पैन कार्ड डिटेल अपडेट करते हैं, और उसको फर्स्ट ऑर्डर कैसे करना है वो कराते हैं, और उसको लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। फिर उसको हम शुरुआत, परिवर्तन और सब इन जो प्रेजेंटेशंस हैं उसमें इनवाइट करते हैं। और सिक्स होता है सपोर्ट एंड लीड, हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे और उसको हम लीड करेंगे ताकि हम उसको भी लीडर बना सकें। तो केवल स्पॉन्सर कर देना ही वहां से हमारा काम नहीं खत्म होता है, तो हमें हमेशा अपनी टीम को लीड और सपोर्ट करते रहना है। सेवेंथ स्टेप है स्ट्रक्चर, मतलब हमारा टीम कैसे होना चाहिए, कैसे बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो चीज मतलब हम उसको बताएंगे। और टीम वर्क के साथ अगर हम बैलेंस स्ट्रक्चर और टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो हम हाई इनकम कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग Team 25 पे काम करते हैं, जैसे ही हम कोई नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराए तो हम उनसे Team 25 का स्ट्रक्चर बताते हैं कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए और टीम वर्क के साथ काम करिए और एक्स्ट्रा मतलब हाई इनकम आप इस थ्रू से अर्न कर सकते हैं। स्टेप फिफ्थ में स्ट्रक्चर की बात, सेवेंथ में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे हमने किसी को स्पॉन्सर किया फर्स्ट मंथ में उन्होंने 100 PV का परचेज किया, तो 100 PV पे जो टाइटल होता है 7% का है। 7% में आपका बोनस आता है, परफॉर्मेंस बोनस 189 रुपीज, और आपको रिटेल मार्जिन जो मिलता है 1080 रुपीज का होता है, और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर में जो परचेज ऑफर में फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 500 के मिलते हैं, तो टोटल आपकी शेविंग होती है 1769 रुपीज का। सेकेंड मंथ की बात करते हैं, जैसे आप के नीचे दो ए और बी ऐड हो गए हैं, इन्होंने भी 100 100 PV का शॉपिंग किया है, तो आपका टोटल पॉइंट हो जाएगा 400। फर्स्ट मंथ का फर्स्ट 100 100, और सेकेंड मंथ में आपका 100 और आपके टीम से 200, तो टोटल आपका होता है 400। 400 पे आपका आप इंटाइटल होते हैं 10% APV बोनस का, और आपका टाइटल होता है सीनियर कंसल्टेंट। तो फ्रेंड आपको APV मिलता है 432 रुपीज का, और फास्टर 10% में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि आप 10% पहुंचने से पहले सिंगल मंथ में आपने 240 PV से ज्यादा किया है, तो आपको कंपनी 750 रुपीज का फ्री प्रोडक्ट आपको देती है। और साथ में फ्रेंड आपको रिटेल मार्जिन मिलता है 1080 रुपीज का, और रीपर्चेज ऑफर में आपको मिलता है 500 रुपीज के फ्री प्रोडक्ट, तो टोटल शेविंग हो जाती है 2762 रुपीज का। थर्ड मंथ की बात करते हैं, थर्ड मंथ में आपने ज्यादा लोगों से बातचीत किया, शेयर किया, अपनी टीम को आपने बिल्ड किया, तो यहाँ पे अब आपके पास टीम हो गई 6 7 8 9 10 लोगों की टीम हो गई। तो आप सभी लोगों ने 100 100 PV का परचेस किया, और उसके बाद आपका जो टोटल
पीवी होता है, उसके बेस पे आपका टाइटल होता है थर्ड असिस्टेंट एसोसिएट सुपरवाइजर, और आप इंटाइटल होते हैं 13% कैशबैक का। तो आपको कैशबैक मिलता है 1,323 रुपीज, और रिटेल मार्जिन में आपको मिलता है 1,080 रुपीज का, और रिपर्चेज ऑफर में 500 के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, और टोटल आपका बेनिफिट हो जाता है 2,903 रुपीज। फ्रेंड्स, 8th स्टेप आता है बी अ रोल मॉडल लीड बाय एग्जांपल। तो हमें अपने टीम के लिए खुद को एक रोल मॉडल प्रूफ करना है, मतलब खुद को एग्जाम्पल देना है कि आप, क्योंकि हम जो ऊपर से सीखते हैं वही हमें नीचे सिखाना होता है। हमें ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, बीच में पैसे कमाना है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो हमें फर्स्ट स्टेप है 100% सेल्फ यूजर होना। हमें मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करना है, और प्लान सो डेली देखना है। हमें जो भी प्लान है मोदी केयर का, सो प्लान है, उसको हमें डेली देखना है, और हमारे पास डेमो किट होनी चाहिए। हमें डेली होम मीटिंग्स करना चाहिए। हमें एक अच्छा कोच और मेंटर बनना पड़ेगा, और हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए, केवल कैजुअल ड्रेसेस नहीं पहनने चाहिए। देन टीचेबल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, हमें अपनी बात को बताना और कहने का तरीका आना चाहिए, और हमेशा टाइम के पंक्चुअल होना चाहिए, और डोंट टॉक निगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। तो हमें किसी से भी कभी भी निगेटिव बातें नहीं करनी है। और 10th होता है फॉलो द सिस्टम, मतलब हमको इसके सिस्टम्स को फॉलो करना है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम हमको फॉलो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका 9th स्टेप। इसमें हमारा पर्सनल प्रोग्रेस क्या क्या होता है, हम इस बिजनेस को करते हैं तो इसमें हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रहा है, साथ में हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। क्या होता है, जैसे हम एक पावर प्रेजेंटर बनते हैं, हमें प्रेजेंटेशंस करने की मास्टरी हो जाती है, और हम समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के मास्टर हो जाते हैं। मतलब हमें सारे प्लान की जो डिटेल्स है वो हमें पूरा माइंड सेट होता है इसमें, और मास्टर ऑफ डेमो जो प्रोडक्ट के डेमो होते हैं उसके हम मास्टर हो जाते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के डेमो हमें याद रहते हैं, और हम डेमो करते हैं तो हम उस पे मास्टर बन जाते हैं। हाउ टू इडिफाई अपलाइन, हमें अपने अपलाइन से कि इज्जत कैसे करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे रिपो बना के रखना है, वो सीखते हैं हम। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनी, हमें अपनी टेस्टिमोनी कैसे शेयर करना है वो सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इस बिजनेस को हम कैसे मेंटेन करके रखें, वो भी हम सीखते हैं यहाँ से। और हमें लर्निंग के लिए, इस बिजनेस को लर्निंग के लिए लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल है, और SPBM समीर मोदी सक्सेस प्रिंसिपल बाय समीर मोदी, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, इसमें ट्रेनिंग वीडियोस हैं, और कई सारे मतलब ट्रेनिंग सेशंस हैं जिसको हम देख के सीख सकते हैं। और जैसे अभी हम लाइव जूम में जुड़े हुए हैं, तो हम इसके थ्रू जुड़कर भी हम इस बिजनेस के बारे में जान सकते हैं, और अपने डाउन लाइन को सिखा भी सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें सारे ट्रेनिंग को अटेंड करने हैं। शुरुआत है, रफ्तार है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एडवांस वर्कशॉप है, तो सारे ट्रेनिंग्स को हमें अटेंड करना है। तो फ्रेंड्स, 10th स्टेप में आ जाते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सबसे सक्सेस की है। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, डुप्लीकेशन करना है। जैसे हम ऊपर से अपने अप्लायंस से सीखते हैं, तो हमने जो अप्लायंस से सीखा वो हम अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं, बताते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स, लीडर्स कौन होता है, लीडर्स जैसे हमारे यहाँ के लीडर्स हैं, लीडर्स
क्या है, कभी फॉलोअर नहीं क्रिएट करते हैं, डू नॉट क्रिएट फॉलोअर्स। लीडर हम लोग क्या है, हम लोग लीडर ऐसे हैं जो लीडर को लीडर क्रिएट करते हैं, लीडर को ही क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना हो, हमें लीड बाय एग्जांपल, मतलब हमें खुद को लीड करके हमें प्रूव करना है, उनको एक एग्जांपल देना है कि हम जैसे लीडर हैं वैसे आप भी बन सकते हो। हमें होम मीटिंग करना है अपने डाउनलाइन के साथ और उनको टीच करना है कि कैसे होम मीटिंग्स करना है, रेगुलर कंडक्ट ट्रेनिंग, हमें रेगुलर अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कंडक्ट करना है जिसमें उनसे कनेक्टिविटी बनी रहे, और प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें उन सभी को प्रोडक्ट्स के डेमो को सिखाना है, तो जानकारी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे शुरुआत 10 कदम आजादी के। तो फ्रेंड्स मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।